अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं ना? आई एम श्योर तैयार हो गए होंगे मज़े की रेसिपीज़ के लिए। दिन भर के बहुत सारे काम और अब थोड़ा सा सुकून का टाइम और उसके बाद वही डिनर की टेंशन और इन तमाम चीज़ें। नहीं, अगर मॉर्निंग वाला लंच वाला टाइम का जो डिनर होता है वही आपका जो खाना होता है वो डिनर में नहीं चलता है, तो डेफिनेटली एक नया खाना बनाने की टेंशन होगी जो कि समीना आप आसान कर देती, कोई ना कोई चीज़ आप लोगों को बताती रहती है। एनीवेज, रेसिपीज़ क्या होंगी, तमाम चीज़ें वो आप लोगों को बताएंगे, पर उससे पहले आते हैं जी आज की बात की तरफ। आज की बात मैं उन चीज़ों के आपको फ़वाद बता रही हूँ जो बहुत ही मज़े के होते हैं। हम बात कर रहे हैं सेसमी सीड्स की। सेसमी सीड जिन्हें तिल कहा जाता है, जो सफ़ेद भी होते हैं और काले भी होते हैं, ये बहुत भरपूर फ़ायदेमंद है। हम तो यूजुअली सिर्फ खाने में टेस्ट के लिए और दिखने में अच्छे लग रहे होते हैं तो कोटिंग के लिए सैलड्स में डाल दिया, इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर सेसमी सीड का ऑयल जो होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपको मालूम है ये सिर्फ टेस्ट की हद तक ही नहीं बल्कि ये भरपूर फ़ायदेमंद होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, इवन के आप लोग जितने हार्ट के इश्यूज़ हैं उनके लिए भी अच्छा हार्ट हेल्थ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अनलेस किसी को एलर्जिक का इशू ना हो सेसमी सीड से, यानी तिल का ऑयल या फिर तिल से अगर एलर्जी का है तो ये किसी को इशू हो सकता है, या फिर किसी को डाइजेशन में या कोई इस तरह का इशू हो तो वो एक बात है, अदरवाइज़ ये भरपूर फ़ायदेमंद है। कहते हैं यूरिनरी ट्रैक, जिन्हें यूरिन के काफ़ी इन्फेक्शन हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कैल्शियम भरपूर होता है इसके अंदर, जिन्हें वो ख़वातीन मर्द हज़रा वो तमाम लोग जो हमेशा कहते रहते हैं ओ माई गॉड जॉइंट पेन, ओ माई गॉड कमर में दर्द, घुटने में दर्द, तो ये तमाम चीज़ें जो दर्द हैं वो एक्चुअली आप इस तिल से भरपूर फ़ायदा उठा के खाते हुए इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। तो इसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि माएँ अमूमन परेशान होती, कुछ बच्चे ट्रेन होने में टाइम लगाते हैं, बेड वेटिंग का उनको इशू होता है और उनको काफ़ी हद तक माएँ बेचारी कोशिशें कर रही होती हैं कि जी बार बार वॉशरूम लेकर जाना बीच रात में उठाकर, लेकिन तब भी ये सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो एक बहुत अच्छी से टिप है, कहते हैं कि इन्हीं तिल को अगर गुड़ के अंदर एक लड्डू सा बना के बच्चे को वो खिलाया जाए गरम करके, हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट करके, तो वो भरपूर फ़ायदेमंद रहेगा वो उन बच्चों के लिए जिन्हें बेड वेटिंग का इशू होता है। यानी इन शॉर्ट ये भरपूर फ़ायदेमंद है, आपके हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, पेन्स जो आप लोगों को होते हैं उनके लिए भरपूर अच्छा है, यूरिनरी ट्रैक के लिए अच्छा है, और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उन बच्चों के लिए जिन्हें बेड वेटिंग का इशू होता है। तो फ़ायदा उठाइए, अब से भरपूर खाइए। चलते हैं आपा की तरफ, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक, खैरियत से बिल्कुल। आज तो बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। है अच्छा, थैंक यू आपा। आपा तारीफ करती तो मुझे लगता है एक्चुअली कुछ बेहतर लग रहा है, अच्छी लग रही हो, अदरवाइज नहीं करती तो फिर पूरा शो अच्छी लगती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज अगर करूंगी तो फिर लोग कहेंगे ओह क्या बात है एक दूसरे की तारीफ। कुछ और कोई बात नहीं है, सिर्फ ये मोहब्बत है और कुछ नहीं। मोहब्बत जिससे होती है ना वो इंसान अच्छा ही लग रहा होता है जैसा भी होता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और बताएं ठीक ठाक जी? आज आपने जो सफेद तिल की बात की, इत्तेफाक की बात है, आज हम यहाँ यूज़ भी करेंगे। वाकई हम जैसे अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी खानों में इसका इस्तेमाल होता है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और आपने जो बच्चों के लिए कहा है ना बेहतरीन है। अच्छा, फिर इसका तेल जो है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि हम अपने चाइनीज़ या थाई खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही जो वाइट तिल होते हैं ना वो कोहलू के ऊपर जब उसका तेल निकाला जाता है ना तो वो अचार बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और वो अचार बेहतरीन अचार होता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट में, बहुत अच्छा अचार होता है। तो कभी भी ऐसा अचार आप कहें तो आपको मज़ा आएगा खा के, क्योंकि सेसमी सीड का अपना एक फ्लेवर, अपना एक टेस्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है अचार। मैंने खाया हुआ, इसलिए मैं बता रही थी। मैंने कभी नहीं खाया। सरसों के तेल के बजाय अगर उसका डाला जाए ना तेल तो बहुत अच्छा, तिल का तेल थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन बेहतरीन होता है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारी गुफ्तगू जो है वो आप लोग गौर से सुन लेंगे। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? हम प्रोग्राम में हमेशा तीन चीज़ें तो बनाते ही बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी वैसे दो भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि आपको तीन चीज़ें जो है वो हम बनाना सिखाएं। तो आज बनेगा वाइट चिकन कोरमा, जैसे कल हमने बनाई थी वाइट चिकन बिरयानी बनाई थी, आज वाइट चिकन कोरमा बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा यहाँ पे बनेंगे स्मोकी रेशा कटलेट्स बनेंगे, और बनेंगे हनी चिली पोटैटोज। जी जनाब, बहुत ही अच्छी सी
तीनों रेसिपीज़ हैं, आप देखिएगा आपको यकीनी तौर पर पसंद आएंगी। तो पहले हम जो बनाने जाएंगे रेसिपी अपनी, वो होगी वाइट चिकन कौरमा, जिसकी बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी की है। बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा, और सबसे बड़ी बात है आपकी टेबल बहुत अच्छी सी लगेगी जब ये बना के आप रखेंगे तो बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली, वैसे भी टेबल हमारी तो हर रोज़ ही अच्छी लग रही होती है। आप बड़ी ही मेहनत से पूरी टेबल सजाती हैं हमारी। बस कोशिश होती है जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले कोरमा बनाएंगे, कोरमे के इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि चूल्हा भी ऑन कर देती हूँ, और साथ ही इसमें डालेंगे हम फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्जानी सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। लेकिन मैंने कहा आप कह लें सारी बातें, लेकिन हाँ। ऑब्वियसली बनास्पति इसका, जब हम देसी डिशेज बनाते हैं तो हम बनास्पति का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, फौजी बनास्पति जो है आधा कप के करीब, ठीक है ना। और ये VTF बनास्पति, दानेदार खुशबूदार है। नाम छोड़, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा जो जो मैं बता रही होती हूँ। हाँ। और हर बार बताने इसलिए जरूरी होता है कि आप देखें हमारे खाने जायकेदार, मजेदार, दिखने में अच्छे होते हैं और सेहत से भरपूर होते हैं। मेन बेसिक रीजन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति को। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर चिकन जो यूज़ करें 1 kg के करीब हमारे पास चिकन है, जो मेरे पास यहाँ पे रखी, छोटे बड़े जिस तरह के पीसेस करना चाहें। बड़े पैमाने पे बना रहे हैं यानी 4-5 kg का बना रहे हैं, तो स्लाइटली बड़े पीसेस रखें, क्योंकि होता क्या जब आप बड़े से बनाते हैं तो क्या होता है उसका पानी बहुत ज़्यादा निकलता है जब छोटे पीसेस होते हैं, और एंड तक क्या होता है कि फिर वो चिकन आपकी टूटना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये गर्म हो चुका है हमारा बनास्पति, और इसमें मैं शामिल करूँगी ये चिकन, ठीक है जी। इस चिकन को हम फ्राई करेंगे, ठीक है, ये मैं यहाँ डाल देती हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करेंगे कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए, सही जी। तो ये डाल देंगे इसमें, और फ्राई करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे उसके बाद बनाएंगे इसका बहुत ही शानदार सा एक मसाला। मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे वो भी आपको बताएंगे, पहले मैं इसको ज़रा सा चला फ्राई करें। आज सवाल भी है, सवाल बता दें आप लोगों को। आज सवाल पे मिल रहा है आपको एनिक्स की तरफ से ये डिलक्स बहुत ही शानदार सा ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे खाने अधूरे होते हैं जब तक हमारे पास अगर ब्लेंडर या ग्राइंडर ना हो। तो अगर ये आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आप लोगों ने बताना है, बादाम का पाउडर यूजली आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके कोई भी दो रीज़न फवाइद ये आप बता दें हमें, तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से ये डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, जो बहुत ही शानदार सा है। तो बिल्कुल अच्छा देखिए जी, ये मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ कि ये देखें इस तरह से एक पीस पे जिस तरह से कलर आया ना इस वाले पे, इसी तरह से सारे पीसेस पे कलर आएगा, मैं निकाल के बाहर रखूँ। बाकी मसाला कैसे बनेगा ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, मैं यहाँ से इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है डन, जब तक आप फ्राई करें हम ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर वाइट कोरमा बन रहा है, कल आपने वाइट चिकन बिरयानी बताई थी, आज वाइट कोरमा बता रही हैं, यानी हर तरह की रेसिपी आप लोगों को मिल सकती है जो यकीनन शानदार मज़ेदार होती है। वाला आगे मजीद क्या हो रहा है, दो और रेसिपीज़ हैं जिन्हें हम लोग आपको बताएंगे बहुत डिटेल में, शानदार और मज़ेदार सी तमाम चीज़ें, एंड ऑफकोर्स कॉल्स लेंगे अगर चल रही होंगी लाइन्स तो डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कोरमा बन रहा है जिसे हमने फौजी बनास्पति में फ्राई कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये देखिए ये मैंने करके यहाँ पर रख दिया, और अभी मैं नहीं बना रही इसको, अब मैं चूँकि दूसरी रेसिपी इसमें इसलिए आ रही हूँ रेशा कटलेट्स के ऊपर, क्योंकि उसको मुझे थोड़ा टाइम देना होगा यानी ठंडा करना होगा, तो बेहतर होगा कि मैं इसको पहले मैं बना लूँ। अब हम इसके लिए लेंगे यहाँ पर फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 2 tablespoons जाएगा यहाँ पे। हाँ। ये चला गया। अच्छा, इसके बाकी इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हम शामिल करेंगे ये रेशा कीवी चिकन, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, रेशा कीवी चिकन है, ये 2 cups के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है ये हरी मिर्चें हैं, चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये डालेंगे इसके अंदर। पहले हम इसमें शामिल कर लेते हैं, क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी खामोशी के साथ नहीं होता, कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डाल दी मैंने हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने इसलिए पहले डाल दी, ज़रा सा अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा।
अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर रेशा कीवी चिकन, ये तकरीबन 2 कप के करीब है, ये चली गई। अब और क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये भी साथ साथ हम इसमें शामिल कर दें। अभी आप मुझे नमक मिर्च दीजिएगा ज़रा सा, पीछे हैं अच्छा। वो मैंने पता खुद ही रख दिया, ऐसा ना हो कि मैं गलती से कहीं वाइट चिकन की जगह जो है कोरमे की जगह मसाले मसाले डाल, धनिया हल्दी लाल मिर्च ये गया इसमें नमक जायके के मुताबिक। लेकिन मैं इसमें नमक कितना डाल रही हूँ, जब मुझे इसमें आलू ही डालने हैं तो आलू के हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 कप ये हैं और तकरीबन 1 कप आलू, यानी 2 मीडियम साइज़ के आप आलू लेंगे तो उससे बेहतरीन रहेगा। थोड़ी सी मैं पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल करी, ये चला गया। और इसमें अब हम डालेंगे पिसी हुई खटाई, पिसी हुई खटाई मौजूद है, ये डलेगी क्योंकि इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ये गया इसमें गर्म मसाला पाउडर तकरीबन 3/4 टीस्पून, खटाई जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से पिसी हुई खटाई, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है जी, ये चलेगी इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, ये गया इसमें हरा धनिया, ठीक है जी, ये हरा धनिया चला गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कटलेट्स बनाने, ये मिक्स कर लिया, बटर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद था तो मैंने इसी में किया। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आलू कितने मैंने आपको बता ही दिया कि 2 मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं आप, ये लाइए बॉयल एंड मैश जी, लाइए के रखी गई पे ना रख लीजिए, मैं चूल्हे पे रख पा रही हूँ अच्छा ये मैंने मैश करके रख ली, इसी में मैं डाल लेती हूँ, ठीक है ना, इसी में मैंने डाल लिया, ज़रा से ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस पे लगाएंगे बहुत ही अच्छा सा कोयले का हल्का सा स्मोक, ठीक है, तो ये बस मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है, ये रखिएगा इस पे, ये रख देते हैं, चले जी ये हो गया, ये हो गया, वनस्पति ले लेते हैं वहाँ से, इसको हम केला ले लेते हैं और ये बहुत बड़ा सा था लेकिन बहरहाल फिर भी हम इसको यहाँ रखेंगे और अभी डालिएगा थोड़ा सा इसमें। ये देखिए इसको मैं भी एक्सपर्ट हो गई, ठीक है ना, लगाने के स्मोक लगाने भरपूर, ठीक है जी, अब हल्का सा इस पर लग जाएगा, फिर इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि आलू से आएगी इससे बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग, जब इसमें बाइंडिंग आ जाएगी तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कटर्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम लगाएंगे और फ्राई करेंगे, दैट्स इट, कितनी आसान सी चीज़ है लेकिन बेहतरीन। आ जाते हैं अगेन हम वाइट चिकन कोरमा जो बनाने जा रहे हैं उस पर, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फौजी वनस्पति यहाँ पे है, इसमें हम शामिल कर, जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी में हम ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला, ये सारा साबुत गरम मसाला इसके अंदर चला गया, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वनस्पति की ज़रूरत और है इसमें, थोड़ा सा ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि कोरमा बनता है ना तो वो ज़रा सा रिच होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अब बाकी के मसाला जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वो क्या क्या है, वो है ये पिसी हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की आप प्याज लेंगे उसको पीस लेंगे, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें, और क्या डालेंगे, वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, ये चली गई, नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, अब उठा लेते हैं इसको ना, सिर्फ नमक डालेंगे, हाँ बिल्कुल, नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, ये 1.5 टीस्पून नमक चला गया। अब दही है मेरे पास 250 ग्राम के करीब, आप दही ले लीजिए, यानी 1 कप भर के ले लीजिएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं डाल के मसाले को अच्छे से मैं भूनूंगी, जब मसाला भून जाएगा तो मैं इसमें ये चिकन जो मैंने पहले से फ्राई करके रखी ये डालूंगी। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बादाम का पाउडर रखा है, ये डालेंगे, इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है जी, अच्छी सी, जब कॉलर ले लें, बिल्कुल आप कॉलर लीजिए, मैं दही डाल के इसको भूनना शुरू करती हूँ। ओके मिसेस नईम हमारे साथ कराची से, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा है आपका शो, थैंक यू, शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी, जी आपके शो की तारीफ कर लूँगी, बहुत अच्छा है आपका शो और आपके सवाल का जवाब भी दूँगी। हाँ बताइए, बादाम जो पूछे हैं आपने, जी जी जी, एक तो कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है बादाम, और मिसेस नहीं, मैं सवाल को जरा एक्सप्लेन करती हूँ,
हमने पूछा कि बादाम का पाउडर जो खानों में इस्तेमाल किया जाता है उसके कोई दो रीजंस बता दें। रीजन फवाइद हाँ, नहीं रीजन खाने में तो बादाम का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो गिलहरी को जो गाड़ी गाड़ी करता है। हाँ और जो है वो खानों का टेस्ट भी अच्छा मज़ेदार हो जाता है। ओके डन, दो पूछे थे, दो रीजंस आपने बता दिए हैं, और मज़ीद कुछ कहना है, कुछ जानना है? जी समीना आंटी को सलाम करूँगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस आप लोग देखते हैं तो इसीलिए हमारा शो अच्छा हो जाता है। जी कुछ और कहना चाहेंगी? हमारी कॉलर बहुत अच्छा है, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वाह, तो ये यहाँ स्मोक लग चुका है। अच्छा मैं इसको हटा देती हूँ, ये हो गया। स्मोकी सा रेशा कटलेट्स यहाँ आपके सामने, तमाम चीज़ें हैं। अभी मुझे दीजिएगा, जस्ट हमने अब इसका शेप देना है। अच्छा अब मैंने इसमें से इसमें दही जो है पूरा शामिल कर दिया, यानी 250 ग्राम पूरा दही मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा मसाले को भूनूंगी, साथ ही ये जो चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये डालेंगे। केवड़ा एसेंस हम लास्ट में शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है ये डालेंगे। और थोड़ा सा बादाम का पाउडर 1 टेबल स्पून लास्ट में इसमें ऐड करेंगे, दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा। फिर हम इसको गार्निश करेंगे चांदी का वर्क, इसके अलावा बादाम और थोड़ा सा हमारे पास ये मौजूद है अदरक। ठीक है ना, इससे हम गार्निश करेंगे। ठीक है, इस तरह से जाके तैयार होगा कुछ खास वाइट कोरमा। हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक ले। ये देखिए, ये इस तरह से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, इसको आप मिक्स कर लेते हैं। मैं कटलेट्स बना के अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम लगाऊंगी और फ्राई कर लूँगी। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा काम तो खुदा ना खासा ब्रेक में नहीं कर रहे ना हम वापस? नहीं नहीं, मैं कटलेट्स तो बनाऊंगी आप, क्योंकि मैंने बता दिया सारा कुछ। ठीक है, बस तो खाली सिर्फ और सिर्फ शेप देने का काम कर रहे हैं। शेप देने का, शेप दे देते हैं कटलेट्स का, फिर मज़ीद फ्राइंग है, कोटिंग है, तमाम चीज़ें हैं वो आप वापस आके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार करेंगे यहाँ पर स्मोकी से ज़बरदस्त से रेशा कटलेट्स। अच्छा, ये रेसिपी चिकन कोरमा की रेसिपी है, तमाम चीज़ें फिर एक और रेसिपी भी है, पर अभी ब्रेक है। अभी जल्दी से एसएमएस करके बता दें, एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सवाल को। आपने बताना है बादाम जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं उसके दो रीज़न्स आपने बताने हैं कि क्यों डाला जाता है, क्या होता है रीज़न। तो आप लोगों को मिल रहा है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा, तो ये मिल सकता है, इसके लिए जवाब दीजिए। हम जा रहे हैं फिलहाल ब्रेक पर, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। डी वेलकम बैक, यहाँ पर स्मोकी रेशा कटलेट्स बन रहे थे। ब्रेक से पहले आपने देखा था तमाम मिक्स होता है यार, स्मोक लगाने के बाद फिर आप आने का शेप दे दें। अंडा ब्रेड क्रम्स कोई बड़ा लाइक बिग डील नहीं है, बहुत ही आसान है, सब लोगों को आता है। देखो मैं अभी बता भी दूंगी, कोई बात नहीं इसको। अच्छा एक काम करते हैं, पहले का मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे इससे, मैं ये कर लेती हूँ। हमने जो चिकन फ्राई की हुई थी, मसाला हमारा सारा भुन गया, पीसी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, इसके अलावा साबुत गर्म मसाला, वाइट पेपर पाउडर और दही डाल के हमने इसको भून लिया। ठीक है जी, अब ये गया इसके अंदर पूरा चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ज़रा सा इसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है और चिकन जो है अच्छी हो जाती है। कोरमा आप चाहे वाइट बनाएं या फिर आप रेड बनाएं, दोनों में अगर आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो बेहतरीन रहता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये बादाम का पाउडर। मैं आपने भी बड़ा भरपूर जारवा बनाया हुआ यार, ये देखे जी, क्योंकि अमूमन मैं घर में भी इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पे भी अब 1 टेबल स्पून 1.5 डाल देती हूँ चने, तो मैंने 2.5 डाला है, 1/3 स्पून इसको डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। आप ये बना के ज़्यादा रख सकते हैं, खराब रख सकता मैं तो बना के, नहीं नहीं ऐसी रख लेती हूँ, बाहर भी चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ज़रा गर्मी में आपको देखना पड़ता है, अगर आपकी कंजम्पशन है तब तो सही है, वरना आपको ये देखे जी केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जब मैंने सिर्फ 2 कतरे डाले, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता। okay. अभी थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा। अभी आप मुझे पानी देंगी? खुशबू आ गई एकदम से, है ना। केवड़ा एसेंस जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, अभी नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ आप लेकर आइए। अच्छा वो आपने देख लिया, वरना मैं तो चल चुकी हूँ। अब बस ये हो गया, क्योंकि हमने अलग से मसाला भून लिया था, चिकन हमारी फ्राई थी। अब आप थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें, इतना कि चिकन गल जाए बस। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं और हम इसको दम पे छोड़ देंगे, दम पे छोड़ेंगे। दम पे छोड़ने के बाद हम इसको जब देखेंगे कि गल गए हैं तो गार्निशिंग में बादाम और अदरक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हम कवर कर देते हैं, ये हो गया। इसको हम यहाँ रखते हैं, एक काम हम साथ ये भी कर लेते हैं
कि कटलेट्स हमें फ्राई करने हैं तो उसके लिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी हमारी एक रेसिपी बाकी है, लेकिन वो ऐसी रेसिपी है कि जिसमें कि जो कि झटपट बनेगी, फटाफट आप देखिएगा कितनी अच्छी बन जाएगी। ये गैस के अंदर शैलो फ्राई थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है ना, हमने इस तरह इतना डाल लिया। अब जैसे ही ये गर्म हो जाएगा मैं इसमें ये कटलेट्स डाल के फ्राई करना शुरू कर दूँगी। कटलेट्स का शेप आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा बनाया, जो कि ओरिजिनली होता है कटलेट्स का शेप। कटलेट्स बनाए उसके बाद अंडे में डिप किए और ब्रेड क्रम लगा लिए, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, अभी मैं आपको एक करके भी बता देती हूँ ना, पापा इसको फ्रीजर में रख सकते हैं? नहीं, मैं आलू की किसी भी चीज़ को मैं नहीं चाहती कि उसको आप फ्रीज़र में रखें, उससे क्या होता है कि बड़े सौगी सी बनती है जो भी चीज़ आप बनाते हैं, और क्या होता है कि फिर उससे फिर ना टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता, वो पानी छोड़ देती है, सही है। तो ये अंडे में मैंने एक दफ़ा दोबारा से सिर्फ इसलिए डिप कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अंडा निकल गया था इसका, ठीक है। सिंपली अब आप देखिए इसमें क्या मुश्किल है, ये सब हमने कर लिए और करके हमने यहाँ पर रख लिए और उसके बाद हम इसको फ्राई करें। हाँ, अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आप दो दिन रख सकते हैं, जैसे कि आजकल का मौसम है, क्योंकि इसके अंदर हमने खटाई पाउडर का इस्तेमाल भी किया। खटाई पाउडर से क्या होता है कि फिर जल्दी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। डबल कोटिंग करना चाहें डबल कर सकते हैं। सिंपली अंडे में हमने इस तरह से डिप किया, ठीक है, और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे, ठीक है जी, और उसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ऑयल गरम हो रहा है, वो भी फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कॉलर से कॉलर भी ले लेते हैं, रमजी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबील, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली, 8 साल से कोशिश कर रही थी मैं। उफो, उफ अल्लाह, आप तो बड़े टाइम की मुश्किल की कोशिश जद्दोजहद के बाद जाके कॉल मिली है। खुशी हो रही है मुझे, आपसे बात हो रही है मेरी। हाँ, हमें भी बहुत खुशी हो रही भाई, इतनी मुश्किल से कॉल मिली आपकी तो। जी जी, और आपके शो की तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोग खाने बनाते हैं, शेफ लोग, बहुत अच्छा आपका शो है। थैंक यू। अमीना, आपस से बात कराइए प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपके खाने माशाल्लाह इतने लजीज और मज़ेदार, आप घर बैठे हम लोगों को बनाना सिखा रही हैं, तो घर वालों से तारीफ समेट रहे हैं हम लोग। चले, बहुत अच्छी बात है। मसला सारा ये है कि मैं तो सिर्फ यहाँ सिखा के चली जाती हूँ, लेकिन सारा अच्छा फॉलो आप लोग करते हैं, तो इसीलिए आपकी रेसिपीज अच्छी बनती हैं और फिर आप लोगों को तारीफें मिलती हैं। थैंक यू सो मच। जी, आपके सवाल का जवाब भी देना है? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए जी। ये बादाम का पूछा है ना, बादाम का पाउडर? जी 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 जी। एक तो ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है इसके लिए डालते हैं, और दूसरा खाने में बड़ी लज्जत आ जाती है इसके डालने से। ठीक है, डन। ठीक है जी, नोट कर लिया। और मजीद कुछ कहना है? इतने साल बाद मिली है कॉल, इतने अरसे बाद कॉल मिली है, जो दिल में कोई बात हो, पता जब कॉल मिलती है या कोई बात कहने का टाइम आता है, उस टाइम बात उस बात भूल जाती है, बात है। ओहो, वो तो एक्चुअल टाइम था कुछ बोलने का, वो तो निकल गया, टाइम निकल गया। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीज होती है, फिर बाद में याद आ रहा होता है, फिर कहते हैं मौका जब होता है ना तब बात का मजा भी आता है उस टाइम बोलने। बिल्कुल, इस वक्त तो वाकई यही बात होती है, लेकिन होता है क्या है कि अमूमन ऐसा होता है एक्साइटमेंट में आप बाकी चीज़ें जो है ना वो भूल जाते हैं ना, आपको याद ही नहीं रहती है कि बस ये होता है कि बस जी आपकी कॉल मिल गई या कोई भी बात होती है उसमें आपको एक्साइटमेंट में आप भूल जाते हैं चीज़ें ना। बहरहाल ये देखिए जी, हो चुके हैं कटलेट्स। अब मैं काम करती हूँ कि कुछ कटलेट्स जो है वो ऑयल चुके गर्म हो गया, मैं इसको फ्राई नहीं, मैं साथ साथ ही डालूंगी, इसलिए ये तीन रह गए, वरना क्या होता है कि कलर अलग अलग आते हैं। मैं चाहती हूँ सारे एक साथ चले जाएंगे इसके अंदर, जितने भी जाएंगे एक साथ ना, ताकि मैं जल्दी से उसको वो कर सकूँ ना, टर्न कर सकूँ, इसलिए मैं नहीं डाल दी। वैसे तो सब चीज़ें इसमें कुक हैं तो हमें कोई टेंशन है, सिर्फ कलर देना, कलर देना है, लेकिन कलर भी अच्छा होना चाहिए ना, कटलेट्स का या शामी कबाब का या कोई भी चीज़ आप जो फ्राई करें उसका कलर अच्छा सा इक्वल होना चाहिए। मेरी भी कोशिश यही होती है कि कलर अच्छा सा आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी घर में कोशिश करें, और ज़ाहिर कोशिश से ही सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो रहा है, बिल्कुल जब आप अगले ब्रेक पे वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें तैयार होंगी। फिर हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चिली पोटैटोस, किस तरह से बनेंगे उसके लिए हमने क्या किया था कि तकरीबन 1 किलो आलू हमने लिए और आलूओं को हमने काट के हमने उनको बॉयल कर लिया, और बॉयल इतना किया कि उसमें सिर्फ तकरीबन 95% हमने उसको गला लिया था। अब हम उसको हल्की सी कसर वाला हल्की सी कसर वाला ना हाँ। चलें जी, इसको मैं यहाँ रख के मैं इसको फ्राई भी करती हूँ। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हम आपको बताएं, बड़ा झटपट सी ये रेसिपी है, शानदार सी इंशाल्लाह ताला बनेगी। यहाँ पर हमारे पास है तलहार मिर्च का पेस्ट है, तो तकरीबन हमने 3 से 4 लाल मिर्चें ले ली थी, उसका हमने पेस्ट बना लिया। नहीं है तो पेपरिका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास टोमेटो केचप है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, शहद है और थोड़ा सा लेस अदरक भी है। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, ये गरम करेंगे और उसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करेंगे, ये तमाम चीज़ें साथ साथ जलेली करेंगे और इसको अच्छा सा टॉस करेंगे, निकालेंगे और इसमें वाइट तिल डालेंगे और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे क्या चीज़ अभी, स्प्रिंग अनियन। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये हो रहा है, मैं इसको जल्दी से पहले फ्राई कर लेती हूँ, जैसे ये हो जाएंगे तो फिर अच्छा, ये जो थर्ड रेसिपी है वो तो हमारी एज ए स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप उसको मेन कोर्स से मेरा दी कि आप अच्छे से इसके साथ राइस बनाएं, पराठे के साथ खाएं, बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो जब रेडी होगी फिर देखते हैं किस तरह से हो रही है ये तैयार। तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल आप लें ब्रेक, मैं ये फ्राई कर रही हूं। ठीक है, तो फ्राई करना है, भरपूर अच्छा कलर देना है, फ्राइंग को ईजी नहीं लेना है, आपने जैसे कहा प्रॉपर अच्छा कलर, जो भी चीज़ फ्राई करें चाहे वो कटलेट्स हो या कबाब, यानी प्रॉपर अच्छे होने चाहिए। वेल ये तमाम लुक इसका दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो फ्राई कर रहे हैं, मजीद थर्ड रेसिपी की तरफ आएंगे जो कि आपने कहा कि जी राइस के साथ, पराठे के साथ, इनके साथ कर सकते हैं सर्व, तो ये बहुत ही खास होगी। फिलहाल आप लोगों ने जवाब देना है, एनएक्स का बहुत ही शानदार से डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर आप लोगों को मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों ने बताना, बादाम का इस्तेमाल जो हम खानों में करते हैं तो वो क्यों किया जाता है, क्या रीज़न होता है, दो रीज़न्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को मिल सकता है ये एक अदद शानदार सा गिफ्ट। फिलहाल हम ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर मज़ीद ज्वाइन करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी उसकी डिटेल के साथ। कटलेट्स यहाँ तैयार, स्मोकी रेशा कटलेट्स, पहले वो दिखाते हैं, आ जाए जरा देखिए क्या शानदार से, अगर इस तरह से रखे तो मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ पे नजर जाएगी, सब कहेंगे बस यही खा ले, यही मजेदार है। आप यकीन करेंगे ये अच्छे से सैलेड के साथ आप इसको खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बहुत अच्छे बिखेरी हुई, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या गजब के लग रहे हैं स्मोकी, इसमें फ्लेवर चिकन, इसमें रेशादार खूब और आलू और बहुत सारे मसालों के साथ। आलू हमने सिर्फ इसमें डाले के बाइंडिंग है। अब यहाँ डाले हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन जैसे कि 4 टेबल स्पून अभी मैंने डाला है। और अब आप इसको ज़रा पकड़िएगा जी, और ये गया इसमें क्रश किया हुआ अदरक, ये क्रश किया हुआ लहसुन थोड़ा सा, चाहे तो खाली अदरक ले लें चाहे तो खाली लहसुन ले लें, हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। आलू आप देख सकते हैं मैंने वेजेस की फॉर्म में बनाए हैं और इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, लेकिन बॉईल करते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था इसमें ताकि टेस्ट अंदर तक चला जाए। और आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, ये देखें इतना हो चुका है। तो अब इसमें बिल्कुल मामूली सी कसर है, इंशाल्लाह ताला फटाफट हो जाएगा। हल्का सा मैं इसको जिंजर गार्लिक दोनों डाले हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। आप खाली अदरक भी डाल सकते हैं और खाली लहसुन भी डाल सकते हैं। चलो जी ये हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम करेंगे। कोरमा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा तैयार हो रहा है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, वाइट चिकन कोरमा ज़बरदस्त सा ये हो रहा है। इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे बादाम और उसके साथ ना, ठीक है जी। ये देखें बादाम और किसके साथ, अदरक के साथ ये हो रहा है, ठीक है। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब ये गए आलू इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा बॉईल करके रखे हुए थे, ये गए इसमें आलू। अब हम क्या करेंगे, फटाफट सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, आँच को तेज़ कर देते हैं। ये गया इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा है कश्मीरी लाल मिर्च जो थी उसका पेस्ट है। कैसे बनाया है। बस इसको हमने भिगोया, भिगोने के बाद पानी डाल के इसको पीस लिया, बस भिगोना लाजमी है, लेकिन भिगोए बगैर नहीं बनेगी। इसके अलावा चिली सॉस या सराशा सॉस जो भी आप लेना चाहें वो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें सोया सॉस ज़रा मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तो मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये चला गया सोया सॉस इसके अंदर, हनी डालेंगे इसके अंदर तकरीबन हम 1.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। ये चला गया हनी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं देखूंगी कि मुझे लगेगा कि मिर्च का कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी सी इसमें और ऐड कर दूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा सा आ गया। आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, लग रही। मैं ये देखूँ मस्जिद की रेसिपी है, मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर सिर्फ, अब ये मिक्स हो गई सारी चीज़ें, नमक हम डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ना, क्योंकि हमने वैसे तो सारी चीज़ों में इसमें नमक डाला हुआ था, बट थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस भी करेंगे और जो तमाम चीज़ें डाली हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और अब मैं इसको 2 मिनट दम पे रखूँगी, निकालूँगी। ये मेरे पास मौजूद है सफ़ेद तिल और साथ ही ये हरी प्याज, इसे हम गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट। देखा कितना आसान सा था, मैं तो सोच रही थी पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी ये रेसिपी को बनाने में।
अब चले आइए गपशप करते हैं कुछ। गपशप हम तो माहिर हो चुके हैं गपशप करने के लिए, मैं और आपा की गपशप ख़त्म नहीं होती है और ऐसी होती है माशाल्लाह से कि बस कह कहे होते हैं बहुत भरपूर। असल में मुझे, मैं भी बहुत हंसती हूँ और आपा और मेरी जो है ना अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, तो आंखों के इशारे समझ जाते हैं। हाँ। चले अब वाइट कोरमा देखते हैं जरा। हाँ। इसको मैं निकालूंगी, इसको चांदी का वर्क आप जरूर लगाइएगा, चांदी के वर्क से इसका एक तो ये दिखने में अच्छा लगता है, फिर आपकी पूरी टेबल को एक बहुत अच्छा सा लुक देगा। क्योंकि देखिए ये तमाम हमारी जितनी भी देसी चीज़ें होती हैं, इनको आप देसी चीज़ों से इसको करेंगे। अब चांदी के वर्क कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस घर में, हर घर में ये मौजूद होता है। इसके अलावा बादाम है, बादामों को आपने भिगो के पील कर लिया और उसके बाद दो पीस करके वो डालेंगे, ठीक है। अदरक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी डालेंगे। और आपको दिखा दिया मैंने कि इसका कोरमे का जो ग्रेवी है ये कितनी है, ये देखेंगे, ये बस बेहतरीन है ये ग्रेवी। इसको हम बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ये देखिए ये वैसा नहीं बनता कि जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल कोरमा। हाँ। जो दानेदार होता है वैसा नहीं होता, हल्का सा सरसरा जिसे कहते हैं ना, ये वैसा बनेगा इंशाल्लाह ताला। मैं इसको निकालती हूँ, बाकी आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी फाइनल लुक आप खुद चेक करेंगे ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चिकन में हमने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी गल जाए, और इसको भी निकालेंगे और इसको गार्निश करेंगे। ये तो जितना अच्छा कलर है, मतलब जितना वाइट हुआ है उतना रेड ये है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये वाइट कोरमा। इधर ये पोटैटोज जो कि हॉट एंड स्वीट होंगे, जो बहुत ही यकीनन मज़ेदार होंगे फ्लेवर में, ये इंजॉय करेंगे। साथ में कटलेट्स हैं, तीन रेसिपीज, तीन शानदार मज़ेदार नाम शायद बच्चे बड़े सब लोग बहुत शौक से और इंजॉय करके खाने वाले हैं। वेल आगे क्या हो रहा है मज़ीद डिटेल आप लोगों को बताएंगे, फिलहाल रिकैप का टाइम। तो रिकैप आप लोगों ने देखना है, साथ साथ जी आप लोगों ने आंसर देना और बताना है कि जी हमने पूछा कोरमे के अंदर जो हम बादाम डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, क्या रीज़न होता है। दो रीज़न शेयर कर रहे हैं, अभी भी मौका है, जल्दी से आप लोगों को मिल सकता है एनएक्स की तरफ से ब्लेंडर एंड ग्राइंडर का ये ज़बरदस्त सेट, तो इसके लिए एसएमएस कीजिए। रीकैप देखिए फिर एक ब्रेक है, फिर हम आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। हनी चिली पोटैटोज अज्जा, उबले कटे आलू 3 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, तलहार मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब, तेल गर्म करके कुटा लहसुन और अदरक डाल के हल्का फ्राई करें, फिर इसमें सिराशा सॉस, कुटी लाल मिर्च, केचप, सोया सॉस, नमक और तलहार मिर्च का पेस्ट मिक्स करें। अब इसमें आलू डाल के मिक्स करें, साथ ही शहद और हरी प्याज शामिल करके मिक्स करें और डिश में निकाल लें। आखिर में सफ़ेद तिल छिड़क के सर्व कर दें। स्मोकी रेशा कटलेट्स अज्जा, चिकन रेशा की हुई 2 कप, उबले आलू 2 कप, बारीक कटा हरा धनिया आधी गच्छी, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिसी खटाई 1 खाने का चमचा, खीरा टमाटर सलाद पत्ते हसबे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए कोयला 1 अदद। तरकीब, पहले पैन में मक्खन गर्म करके इसमें रेशा की हुई चिकन, पिसा गर्म मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, पिसी खटाई, हल्दी और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और कोयले का धुआं देके ठंडा कर लें। फिर इसमें उबले और मैश किए हुए आलू भी मिक्स करें और कटलेट्स बना लें। उसके बाद फटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में खीरा टमाटर सलाद पत्ते के साथ सर्व करें। वाइट कोरमा अज्जा, चिकन 750 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, इसे बादाम 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, भीगे और छिले बादाम 2 से 3 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पिसी प्याज 2 अदद, चांदी का वर्क 1 अदद। तरकीब, घी गर्म करके इसमें चिकन फ्राई करें और निकाल लें। अब बाकी तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च, पिसी प्याज, साबित गर्म मसाला और दही डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें फ्राई की हुई चिकन, बादाम का पाउडर और केवड़ा एसेंस मिक्स करें, साथ ही 3/4 कप पानी डालकर दम पर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। फिर इसे डिश में निकालकर छिले बादाम, बारीक कटी अदरक और चांदी के वर्क से गार्निश करें। हम लोग कुछ बोलेंगे जी, वेलकम बैक, और आज देखिए एंजॉय करें हर एक रेसिपी, एक अलग लुक, एक अलग स्टाइल और एक अलग मज़े की है। क्योंकि फ़िलहाल तो मैं 2 रेसिपीज ट्राई कर चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप लोग पहले? ओहो, ये दिखा रहे हैं, चलें, ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, चिली का फ्लेवर, हनी का फ्लेवर, बाकी तमाम उफ टू गुड है। मतलब मैं कह रही हूँ इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे फॉक्स शुरू हो जाऊँ। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप ये चिली पेस्ट बनाएंगे ना, तो अगर मिर्चों को आप बॉईल कर लें
अच्छा उसको काटें, बीज निकाल दें, उसके बाद उसको बॉईल कर लें तो जल्दी भी हो जाएगा और आराम से पिस भी जाएगा। पीसें उसके बाद बनाने के बाद अब उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। फिर जब इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं, हम चाइनीज़ खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप आराम से इस्तेमाल। ये मेरी तकरीबन एक महीने से मैंने पीस के रखी हुई थी फ्रीज़र में, मेरे पास बॉक्स है उसमें मैंने पीस के रखी हुई और उस मैंने इस्तेमाल किया, आप देखिए कितनी फ्रेश लग रही थी, बहुत मज़ेदार। नाम शो के ये पराठे के साथ, पूरी के साथ, ये बरसात का तो आजकल चल ही रहा है सीज़न, हाँ। तो आप इंजॉय कर लें इसके साथ, मज़ेदार सा है, चाय के साथ बना लीजिए तो बहुत ही बेहतरीन, खट्टा मीठा तीखा तीनों फ्लेवर्स में आपको मिलेंगे। वाह वाह वाह, कोरमा देखें आप, कोरमा तो बिल्कुल शाही है भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपा ने इसको और गजब का कर दिया, इसमें बादाम डाल के, अदरक डाल के, एंड ऑफ कोर्स चांदी का वर्क लगा कर। देखें उस जो कढ़ाई में था उस कोरमे के लुक में फ़र्क आ गया ना, कि हमें थोड़ी सी गार्निश, थोड़ी सी मेहनत की तो कितना अच्छा लगने, आपकी टेबल को बहुत अच्छी रौनक देगा। अच्छी सी डिश में इसको सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। पानी हमने इसलिए डाला था कि इसका जो मतलब कच्चा पानी है वो भी दूर जाए, दूसरी बात है कि चिकन हमारी गल जाए। फिर हमारा जो आज का सवाल था बादाम के पाउडर के बारे में, उसके बारे में आपका क्या बताएं रीजंस? देखिए जो मोस्टली लोगों ने ये बताया कि जी उसमें ये होता है कि आप टेस्ट एंड गाढ़ापन, फिर ये कभी किसी चीज़ में नमक भी तेज़ हो जाता है, जैसे आप कोई भी सालन बनाते हैं जैसे कोई ग्रेवी वाला, और नमक आप देखने के तेज़ हो जाए तो फौरी तौर पे आप बादाम का पाउडर डाल दें तो आप देखिएगा कि इतना टेस्ट बैलेंस हो जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो बिल्कुल ये मतलब दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन बादाम का पाउडर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग बना ना सकें, ईजीली बना सकते हैं, बना के अगर आप फ्रिज में रख दें तो बेहतरीन है, नहीं तो ये मेरा ख्याल है एक डेढ़ महीना आराम से बाहर भी रह सकता है। मैं जैसे कि कबर्ड के अंदर रखती हूँ, बिल्कुल बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको पीसा, पीसने के बाद आप उसको रख दें। जब भी आपको लगता है कभी नमक तेज़ हो गया, कभी कहीं ग्रेवी को आपने अच्छा करना है, टेस्ट उसमें लाना है, थिकनेस लानी है, खीर में डालना है, आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए मैं तो बहुत सारा बना के रखती हूँ। हाँ, मैं देख रही होती हूँ आप तो इस्तेमाल कर रही होती हैं, और बाकी डिफरेंस आता है, टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का होता है। फिलहाल तो कोरमा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, शीरमाल के साथ मेरे पास मौजूद है, मैंने तो इसे रखा यहाँ पर, मैं खा रही थी ये। आपने तो इतना सा दिखाया एक्चुअली मैं खा चुकी हूँ, मैं इतना सा दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने खाया है। इसका रेशा आप देख सकते हैं, बाकायदा इसमें रेशा फील हो रहा है, जैसे ही आप बाइट लेंगे तो आपको बाकायदा चिकन के रेशे आएंगे, जो ये स्मोकी रेशा कटलेट है एक्चुअली। अच्छा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो आलू डाले वो इतने डाले कि अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, इसके अलावा ऐसा कोई खास आलू का वो नहीं था, कोई रोल नहीं है बेहतरीन। अब आपने देखा मैंने छोटे छोटे बनाए थे और जब हमने अंडा ब्रेड का हम दोनों लगाए तो इसका साइज अच्छा हो गया। हमेशा याद रखें कटलेट्स के और कबाब के शेप में बहुत फ़र्क होता है, कटलेट्स का यही शेप होता है, थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं बेहतरीन लगता है, लेकिन आप इसको कोई और शेप भी दे के बना सकते हैं, बट ये ओरिजिनल शेप है उसका ना, और स्मोक से टू गुड हो गया है, ज़बरदस्त हो गया। अब बता देते हैं ब्लेंडर ग्राइंडर किसे जा रहा है, एलेक्स की तरफ से, जो बहुत ही शानदार सा है डेलेक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, तो जा रहा है इरम फ्रॉम कराची, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मुबारक, आज तो आपका लक्की डे हो गया। कितने साल बाद कॉल मिली थी? 8 साल बाद कॉल क्या मिली, साथ में गिफ्ट भी मिल गया। ओह माय गॉड, ये तो सबसे अच्छी बात है भाई, बहुत मुबारक हो आपको इरम, वेरी गुड भाई, बहुत ज़बरदस्त। अब जब मिल जाए, जब यूज़ कर रही हूँ तो याद करिएगा कि 8 साल बाद कॉल मिली थी और उसके बाद मैंने विन भी कर लिया था साथ। बिल्कुल ठीक है जी, तो कल मुलाकात करेंगे, कल भी होंगी शानदार सी रेसिपीज। आपा तो आप लोगों का हर दिन मजे का बना रही होती हैं, आज की रेसिपीज देखिए, ट्राई कीजिए, कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।